हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक क्विक सी स्वीट्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि फेस्टिवल स्पेशल है। वो खाने में इतनी अमेजिंग लगती है कि कोई पहचान ही नहीं सकता ये बेसन की बनी है। और साथ ही अपने नोटी बेबी के कपड़ों का रिव्यू भी दूंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मिठाई में हम यहाँ मैसूर पाक बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन में 1 टेबलस्पून मैदा को डालकर मिक्स कर लिया है अच्छे से। मैं शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैसूर पाक की रेसिपी मैं अपने फीलिंग फूडी वाले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या हम पतीले में एक रिफाइंड ऑयल का पूरा पैक डाल देंगे जो 9 ml वाला होता है, और इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ये रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 कप देसी घी डाल देंगे। घी हमें मेल्ट किया हुआ ही लेना है। और अब गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। और साइड में दूसरे गैस को ऑन करके कढ़ाई में 1 कप पानी और 2 कप चीनी लेंगे। और इनको हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है और एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक गैस पर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो रही है और दूसरे गैस पर घी को स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है हमने। जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगे या फिर हमें लगे कि 1 तार की चाशनी बनने वाली है 4 से 5 मिनट में, तभी उसमें हम पहले 2 से 3 इलायची के दानों को डाल देंगे, या फिर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही 2 पिंच येलो फूड कलर भी डाल देंगे मैसूर पाक को एक अच्छा सा कलर देने के लिए। मिक्स करेंगे इनको। घी का जो फ्लेम है हमें उसको बंद नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही कंटिन्यू लास्ट टाइम तक इसको ऑन ही रखना है। अब ये जो बेसन मैदा का मिक्सर है इसमें हम इस घी को डाल देंगे और एक रनी सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पतला सा बैटर बनाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो बैटर में लम्स ना रहे। इस तरह का बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे और फिर इसको हम चाशनी में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है चाशनी का। अब मिक्स करेंगे इनको और अब एक हाथ से मिक्स करेंगे और दूसरे हाथ से 1 कड़छी घी को डाल देंगे।
मिक्स करेंगे और फिर से एक करछी डाल देंगे घी की। इस तरह से हमें तब तक डालते जाना है जब तक बेसन घी छोड़ने न लगे। आप देख सकते हैं बेसन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे वरना जो हमारा मैसूर पाक है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हमें जमाने के लिए एक स्क्वायर ट्रे में डाल देंगे। ट्रे को हमें पहले ही रेडी करके रखना है वरना इस टाइम पर करेंगे तो हमारा मैसूर पाक खराब हो जाएगा। फौरन ही हम इसको ट्रे में डाल देंगे। अगर आपके पास स्क्वायर ट्रे नहीं है तो जैसी है वैसे ही में डालकर हम इसको जमा लेंगे। हमें एक काम फटाफट करना है क्योंकि मैसूर पाक को थोड़ा टाइम होते ही जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम गरम गरम को ही कट करेंगे और फिर ठंडा होने का वेट करेंगे। और हमने ठंडा होने के बाद इसको इस तरह के कंटेनर में रख लिया था। अब इसको हम स्वीट्स के डिब्बे में रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो मैसूर पाक है वो कितना अच्छा सा जालीदार बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मजे की मिठाई तैयार होती है। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली इसको आप मुझे ये मिठाई अपनी ससुराल लेकर जानी है, तो मैं इसको इसलिए मिठाई के डिब्बे में रख रही हूँ ताकि लुक और ज़्यादा अच्छा आए। वरना आपको अपने घर के लिए रखनी है तो फिर किसी घर के ही डिब्बे में रहने दें। बस वो एयर टाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें ताकि चींटियाँ ना लगे। इस मैसूर पाक को फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10 से 15 दिन बिना फ्रिज में रखे हुए भी आराम से खा सकते हैं। आप एक कटोरी बेसन से 1 किलो मैसूर पाक बना सकते हैं। हमारे आधा आधा किलो के 2 डिब्बे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारी मिठाई डिब्बे में लगकर कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कीजिएगा। ये कपड़े दिखाते हैं, ये जो सारे ड्रेसेस मैं दिखाऊंगी ये मैंने सभी ड्रेसेस फर्स्ट प्राइस से खरीदे थे जो मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गए थे। यह है बेबी बाथरोब, ये जिस प्राइस में मिला है मैं आपको इस साइड में मेंशन कर दूंगी।
आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। साइड में दो पॉकेट दी हुई है और काफी इसका जो टॉवल का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। मुझे काफी अच्छा लगा, ये वर्थ ऑफ मनी है। और ये जो सेकंड है ये स्वीट शर्ट है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो डिस्काउंट प्राइस है। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी थी, बेबी हक ब्रांड का है ये। ये भी मुझे बेस्ट लगा। ये तीन स्वीट शर्ट और हैं, दो स्वीट शर्ट हैं और एक टी शर्ट है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। एक्चुअली पहले जो मैंने साइज किए थे वो बड़े आ गए थे, फिर मैंने छोटा साइज मंगवाया था। साइज में बाहरी मेंशन है, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं मॉल गई थी अपने नोटी बेबी के लिए कपड़े देखने के लिए, तो वहाँ मुझे ज़्यादा कपड़े समझ आए नहीं थे और ना ही ज़्यादा डिज़ाइनर थे और काफ़ी और डिस्काउंट भी नहीं था उन पर। और ये जो कपड़े मिले मुझे फर्स्ट प्राइस से मैंने परचेज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मुझे मिले हैं। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 900 कुछ था। ये है सेकंड स्वीट शर्ट, ये मुझे इसने में पड़ी थी 425। फर्स्ट ट्राई के कपड़े मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, कहीं जाना ढूंढना भी नहीं पड़ता और डिजाइनर स्टाइलिश से कपड़े अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। मैंने ये मंगाए थे तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूं। देख सकते हैं कितना डिजाइनर पीस है ये, बीच में एक बड़ी सी पॉकेट दी हुई है। और ये है तीसरा पार्सल, ये मैंने नोटी बेबी के लिए एक फुल स्लीव्स की टी शर्ट मंगाई थी, ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गई थी 151 में। एक्चुअली प्राइस इसका 250 था। और पैकिंग तो मुझे इनकी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है, हमारे नोटी बेबी के कपड़े आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।